अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज थोड़ी सी मेरी वीडियो जो है प्लांट्स के बारे में मैं बनाने लगी हूँ, आप लोगों को कुछ गाइड करने लगी हूँ कि हम लोग रखते तो इनको बहुत शौक से हैं लेकिन केयर नहीं करते, जो कि बहुत गलत बात है। दोस्तों आप जानते हैं ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, अगर ये साफ़ सुथरी हो तो घर में खूबसूरती के लिए भी काम आती है और एक आपको सवाब का सवाब मिलता है। आप देख रहे हैं जैसे कि ये मेरे घर में कितने सारे प्लांट्स हैं, लेकिन बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये गुलाब का है और इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जिन पे केयर का टाइम तो निकालना ज़रूरी होता है। साथ साथ हम लोगों को ये भी अंदाज़ा होना चाहिए कि दोस्तों ये जानदार हैं और जानदार चीज़ को नुकसान पहुंचाना तो होना क्या भी सबब बनती है। खैर दोस्तों, मैं आपको इनकी थोड़ी सी केयर बताने लगी हूँ। ये देखें, इसकी लाइफ पूरी ख़त्म हो गई है, ये डेड हो गया। अब हम इसको अगर पानी भी देते जाएंगे तो ये वापिस ग्रीन नहीं होगा, ये बिल्कुल बुरी तरह से ख़राब हो चुका है। खैर दोस्तों, आगे मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाह रही हूँ। ये देखें, ये सीज़न के साथ चलते हैं और जैसे ही सीज़न आता है तो ये मोतिये का पौधा लगा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा ग्रीन हो जाता है, इस पर फूल भी लगते हैं वाइट कलर के और बहुत खूबसूरत हो जाता है। तो दोस्तों मेरी गुजारिश है, जो सीज़न के फूल हैं उनको तो कह सकते हैं कि ये सीज़न नहीं है तो मुरझाते जा रहे हैं, लेकिन जो फोर सीज़न फ्लावर चलते हैं या पत्ते होते हैं या डेकोरेशन के लिए फूल या पौधे रखे जाते हैं, उनका प्लीज़ ख्याल रखें, ये जानदार हैं, इनको ज़रूरत है, इनको इनकी खुराक दी जाए। देखें इनके ऊपर कितनी डस्ट पड़ी हुई है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जब आप इनको पानी देते हैं गमलों में या इनकी मिट्टी को पानी डालते हैं तो ख्याल रखें कि इनके पत्तों को भी साफ़ किया जाए। जैसे हम जब अपने बाल धोते हैं तो हम लोग ख्याल रखते हैं कि हम अपने बालों का एक एक बाल साफ़ करें, नीट करें, क्लीन करें, इसी तरह जब हम इनको पानी देते हैं तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम इनका एक एक पत्ता भी साथ साथ वॉश करें। खैर दोस्तों, ये देखें काफ़ी सारे इधर पड़े हुए हैं, जिसमें से कुछ तो सीज़न के साथ चलते हैं और कुछ सारा साल चलते हैं, बहुत खूबसूरत भी लगते हैं पड़े हुए और फ़ायदे भी बहुत होते हैं। मैंने अभी घर में पुदीना भी लगाया था और वो काफ़ी चला था, उसके बाद पता नहीं उसका क्या हाल हो गया, उसके बाद उसका ये हाल हो गया दोस्तों, ये बिल्कुल बेजान हो गए हैं, डेड हो गए हैं, इनकी लाइफ ख़त्म हो गई है। ख्याल रखें प्लीज़, ये जानदार हैं, इनका ख्याल रखने से हमें सवाब मिलता है और बहुत से फ़ायदे होते हैं। आप घर में बहुत कुछ लगा सकते हैं, लहसुन लगा सकते हैं, आप घर में लहसुन लगा सकते हैं, प्याज लगा सकते हैं, हरी मिर्चें हैं, टमाटर है, पुदीना है, बहुत सी चीज़ें लगा सकते हैं आप घर में। और ये देखें, इसकी भी लाइफ पूरी ख़त्म हो चुकी है। इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि अब जिनकी लाइफ ख़त्म हो गई है उनके साथ हम क्या करेंगे। जैसे इसकी लाइफ पूरी ख़त्म हो गई है, हम इसे रिमूव करके तो इसके साथ इस गमले में वेस्ट ना जाए, इसमें लहसुन या अदरक या कुछ भी लगा देंगे। मैं आपको दोस्तों इंशाल्लाह बताऊंगी कि वो किस तरह लगाएंगे और जब वो भर जाते हैं तो वो कैसे लगेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।